पंजाब के होशियारपुर के गांव लालवन के निवासी जगदीश सिंह, गुरदयाल सिंह और सुरेंद्र पाल ने बताया कि उनके गांव लालवन में फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारियों द्वारा सागवन और अन्य कीमती पेड़ रात को ऑफिस टाइम के बाद चोरी और काट कर बेचने का मामला प्रकाश में आया। मामले में गांव के लोगों ने जब दखल दिया तब कुछ लकड़ी बेच दी गई थी तो कुछ कार्यालय के भीतर फेंकवा दिया गया। मामले में एक बात और सामने आई कि ग्रामीणों ने चोरी और लकड़ी काटने की सूचना डीएफओ को फोन से दी, लेकिन उन्होंने भी दूसरे दिन मुआयना करने की बात कही। वहीं सरपंच सुमित गौतम ने कैमरे के सामने न आने की शर्त पर बताया कि फॉरेस्ट विभाग की ओर से गांव को जनरेटर, कुर्सियां, पानी का टैंकर और एक भार ढोने वाला ठेला दिया गया है, जिसे रखने हेतु सेट बनाई गई है। फिलहाल किसी को कोई नुकसान नहीं है, यह बात भी सरपंच ने कही। की नाम है? मैं सुरेंद्र पाल, पिंड लरवान साहब का पंचायत मैंबर हाँ। पंचायत की प्रॉपर्टी के कुछ कीमती लकड़ सी, सफेदा सी, डेक सी, सागवान सी। यह जंगलात महकमे के अधिकारियों ने यह जी लकड़ी सी यह छुट्टी वाले दिन एतवार वाले दिन कटा के यह बेइज्जती किनू बेची की किया ज पैसे उन्हें अपने आप रखे ज किस जमा कराए आ जब सरकारी फंड पता नहीं है। ये लकड़ी उन्हें चोरी करके इतने लकड़ी लै गए थे। जिहड़ी लकड़ वड्डी जदों असीं उन्हां नूं पुछिया, उह कहिंदे असीं दो गड्डियां लद्दियां सीआं, इक गड्डी असीं रात वापस ला दित्ती है जिस वेले दी शिकायत हो चुकी सी। इहनां नूं जंगलात महकमे दा सिर्फ फर्ज़ बणदा आ बूटे लगाउण दा, वड्ढण दा अधिकार इहनां कोल नहीं। जंगल दे विच वी जो बूटे लगदे आ उह वी पंचायत ही बेचदी है, अज तक किसे वी महकमे दे ने नहीं वड्डी। इह जिहड़े हुण अधिकारी आए आ इह खुद लकड़ी बूटे लवांदे नहीं, सिर्फ वड्ढण दा कम करदे आ। की तुहानूं पता वी किहो महकमे ने? मैं जगदीश सिंह ललवान तो बोल रहा। यह साढ़े इस वेले आप जंगलात के दफ्तर में खड़े हाँ। आ जो किया महकमे ने जो वधिया दरख्त सफेदा सी, सागवान सी, लेकां सी, जबकि महकमे का कोई इतने हक नहीं बनता वढ़न का। इन्होंने नजायज़ कटाई की है, जिदे माल लद के भी लै गए, आ भी लद्या हुआ माल। जो डीएफओ साहब ने अपना फोन किया तो दोबारा ला के गए ने माल इतने, इस करके इन्होंने बिल्कुल नजायज़ करता धक्का किया। जंगलात महकमे का हक क्यों नहीं बनता? एक जी प्रॉपर्टी सी किदी सी? ये प्रॉपर्टी सर पंचायत की, कोई परमिशन नहीं, कोई कुछ नहीं, ना इन्होंने किसी ने पूछा तो ना दसिया। तो थानू किवें पता लगा भी ये सानू? वैसे अभी तो घर बैठे से, सानू भी किसी बंदे ने फोन किया कि इदा करके उसे नजायज कटाई हुई है, असी मौके देखना है तो इतने नहीं मार सका। उस तो बाद सवेर में जो आए सवेर में जो एक कटावा से बंदा जिन्ह ने मार। जल सिंह चौकीदार बोल रहे जी, पिंड लरवान तो। ये जो दरख्त सी इत्थे मोटे दरख्त सीगे, सागवान सी, डेक सी, ते नाल सफेदा सी, वो इन्होंने उपरों पहला वढ़िया। उस तो बाद कल इन्होंने ये मतलब जेसीबी मशीन लिया के कल ये पटवाता। उस वेले दस टाइम नहीं सीगे, दस टाइम तो बाद इन्होंने ये शाम को पटा के तो ये मतलब सारा जिहड़ा ये पटाई की है। इस तो बाद जंगलात का मतलब ये चीज़ बनती है, ये मतलब बूटे लाण का, तो क्योंकि प्रदूषण रोकण वास्ते ये असी ये बूटे लवा रहे हैं, बल्कि ये महकमा इस करके ये हुण जिहड़े बूटे आप पटा रहे हैं। सो इस करके ये सानू बड़े दुख की गल है पिंड वासियों वास्ते भी, क्योंकि ये महकमा आप ही जब ये काम कर रहा तो मैं लोगों का की बनूगा। तुहानू की लग रहा है महकमे ने क्यों ये पेड़ जिहड़े है दरख्त जिहड़े पट्टे आ? वैसे सानू तो इस बारे ये बारे तो